वैसे इस साल स्केल थोड़ा बड़ा है हमारे पिछले अवार्ड्स सिर्फ एक पोडियम और सामने एक स्टिकर लगा हुआ था, तो अगर आप इस साल हमारा स्टेज देखेंगे तो वीव स्केल्ड अप द शो. वी हैव अ ब्रांड न्यू रेंज ऑफ टैलेंट. वी हैव नीति पाल्टा, राधिका वाज, मनन देसाई एंड संजय रजोरा हु आर गोना बी प्रेजेंटिंग द अवार्ड्स. और उसके अलावा हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वो अपने साथ और लोगों को ला रहे हैं. द ब्रांड इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर विद द पीपल. सो जस्ट अ मच बिगर शो देन द लास्ट. चितुनी है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आते हैं. यू नो आई फील कि वी आर ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी डू. हमें पता है हम कब अच्छा काम करते हैं, कब हम थोड़ा सा अजीब सा काम भी कर लेते हैं. आई फील जिस तरह हम अपने अच्छे काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे नॉट सो गुड वर्क को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दें. इट्स स्पॉटिंग, नथिंग एल्स. वेल यू नो लाइक आई सेड, नॉमिनेशंस मैं नहीं करती हूँ, दैट्स डन बाय अ ज्यूरी ऑफ वेल नोन क्रिटिक्स. एंड लाइक आई सेड कि वही फिल्मों को रिव्यू करते हैं, तो वो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं वहाँ पर रिग्बैट्स भी आते हैं. एंड nobody is too small to do a big film and nobody is too big to do a bad film. Well, we're all alive, so I'm guessing none of our lives are being threatened, but they're definitely opening up to the idea dheere dheere kar pehle saal se chhate saal mein agar aap number of nominees dekhen, acceptance dekhen, guests dekhen, so there's clearly a warming up that's happening to the ghantas. Ji ha, so जैसा कि मैंने कहा कि देखिए एक्चुअली हम कोई है नहीं फिल्मों को सराहने वाले या उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले. द फाइनल जजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु पेज फॉर द टिकट. एंड अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं तो वो हमारी वजह से तो नहीं चली हैं, इट्स बिकॉज द ऑडियंस हैज़ रिजेक्टेड देम. सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द ऑडियंस. उससे ज़्यादा सबकी टांगें खींचेंगी. थैंक यू, थैंक यू. मेरे वेट की बात मत करना, बोल रहा हूँ. थैंक यू यार. ये सवाल मत पूछ मेरे से, ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ. नहीं, आई थिंक यार, सी इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं, कुछ फिल्में चलती कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती, ये हो जाती. सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना ना मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू जब कोई फिल्म बनाता है ना, कोई ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊंगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए, तो वो होता नहीं है. सोच होती है सबकी अपनी. यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा कि मुझे अवार्ड मिले. नहीं यार, नहीं, मैं आई टेल यू समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग हैं ना, वी टेक आर सेल्फ टू डैम सीरियसली. आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग. अगर आप दूसरों पे हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू. ह्यूमर इज़ लाइक गांधी जी सेड, यू नो, ही सेड इफ आई डिडंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड लॉन्ग टाइम बैक. इट्स अ स्टेटमेंट. समवेयर आई थिंक वी एज अ कंट्री, एज पीपल, हैव बिकम टू सीरियस. वी नीड टू लाइटन अप एंड आई थिंक थिंग्स लाइक दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग. मैं एक टाइम पे एक ही सुन सकता हूँ. बहुत किया है मैंने, बहुत की. आई थिंक लास्ट तो वेलकम टू कराची थी, माइंड ब्लोइंग थी. मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड. और नहीं यार, बढ़िया पिक्चर, लाफा मार मत साले. इतनी अच्छी पिक्चर है. नहीं आई थिंक दैट्स अबाउट इट. नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म. आई थिंक आई टेल यू, जो भी करने का प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर गया था सब. इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती है, यहाँ नहीं चलती. ये 5 साल 10 साल दो, कोई ना कोई और बनाएगा, बड़ा एक्टर, फिर सबको मजा आएगा. सॉरी. दिल वाले के लिए नहीं है, शाहरुख इज नॉट बैड, ही इज़ गुड. वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. आई डोंट हैव अ इशू विद दैट. आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर आप, कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट. यू शुड हैव दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट. एब्सोल्युटली पॉजिटिवली. आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट. इज द फिफ्थ लास्टली बाय द वे. हाँ, सो व्हाट, नो यार, गुड ह्यूमर, फन, गुड लाफ, आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना गेट होपफुली. बोलो, तो फिर वहीं पर अटका हुआ है. वहाँ पे क्या होता, इट वॉज इरफान एंड मी, बट इरफान चला गया, उसके साथ सारा फान चला गया पिक्चर का. गुड बाय. घंटे की बात करें, अभी गर्मी लग रही है यार. फिर से बोलिए, कैसे बोलिए, घंटा अवार्ड. हाँ,
ये अंदाज अच्छा है। हाँ, अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे। लकीली वो इतने साल पहले थे घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद हैं अवार्ड्स, इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। और अब कॉमेडी और हमारा जो हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है। लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज़ किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएँ और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है। सो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है घंटा अवार्ड। मैं सॉरी, मैं पिक्चरें देखती नहीं, प्लीज़ आई इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म, ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं। बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी, सॉरी अगर मुझे लगता कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें, आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म। हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी, मेरा नाम मत लेना। नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रही, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती, लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म। मेरे करियर की बहुत हैं, मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की। आई स्वेयर आई डोंट नो, आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी, जलवा अच्छी थी, कुछ कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी, ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर मैंने, नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके अलावा मैंने बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं, सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए, मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती हैं, अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे कुछ याद नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सी आई थिंक फ्रॉम शाहरुख खान टू डाउन टू द स्मॉलेस्ट आर्टिस्ट इन आर इंडस्ट्री, अब शाहरुख शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बट हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है विच मस्ट बी डिजर्विंग ऑफ अ घंटा अवार्ड। सो आई होप शाहरुख, आई एम श्योर हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम शाहरुख टू अक्षय टू एनीबडी, ऑल द टॉप हीरोज, कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानेंगे कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दी है जहाँ पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद, यू नो। अब वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे वो, बट अदरवाइज सो मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं। बट देर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटिफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है देखकर जैसे दिलीप साहब को कि यार ये तो ख़राब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे मिलना चाहिए था 2-3 फिल्मों के लिए, लेकिन मुझे नॉमिनेट भी नहीं किया गया, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। ऐसी कितनों के नाम गिनवाएं, ऐसी बहुत सारी हैं, मुझे मेरी बीवी से बचाओ जिंदा जला दूंगा मान मर्यादा नहीं नहीं जिसमें तुम और ओम पुरी थे, क्लैश ऑफ इंटरनेशनल टाइटंस, वो गुरु महागुरु, हाँ 4 हो गई तो फिर अब बस बहुत है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मूवी को ही मिले, छोटी मूवी भी काफ़ी बुरी हो सकती हैं और काफ़ी बुरी होती भी हैं। नहीं, अब नाम क्यों आप दिलवा रहे हैं, जो जो सबसे अच्छी तरह बुरी फिल्म बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। नहीं, नाम नहीं लेता हूँ, नहीं नाम मत दिलवाइए, आप इस सवाल इस तरह के पूछ रहे हैं।
सतीश शर्मा मूवी में, हाँ सतीश कौशिक, सतीश कौल, हाँ बीमार है, मोहताज हो गए हैं पैसों के लिए, तो क्या फिल्म फिटेरिटी उनकी मदद करने वाले हैं क्या? मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है फिल्म फिटेरिटी हमेशा इस तरह के केसेस में मदद करती है। ओके थैंक यू। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लगना चाहिए, इट्स एन ऑनर। यार आई थिंक मैं तो रिसीव करने आया हूँ अवार्ड, आज मैंने उनको बोला मुझे तो चाहिए ही चाहिए, सो मेरी फिल्म रणबंका उसके लिए मुझे घंटा अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया, सो मैं तो कोई भी अवार्ड होता है मुझे जीतने का शौक है यार, सो मुझे होता है कि मैं जीतूँ। एक मिनट एक एक करके कौन सा? हाँ यार लेट डाउन क्यों करेंगे यार, आई फील दैट एवरीबडी शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये लेट डाउन नहीं है, आई थिंक हम लोग आपस में एक परिवार में भी हम लोग आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो किसी को बॉक डाउन नहीं किया जाता। आई थिंक ये एक फैमिली है यार, हम लोग आपस में बहुत अच्छे काम भी करते हैं, तो कभी कभी कोई ऊपर नीचे काम होता है तो उसका थोड़ा सा मजाक करना आई थिंक अच्छी बात है, एंड दैट्स ऑल। हाँ यार मैं किसी और को होस्ट करते दिखूंगा, मुझे एक्चुअली आदत नहीं है, मैं स्टेज पर आता हूँ तो मतलब दिखता है माइक तो मैं घुस जाता हूँ, सो आई होप मैं आराम शांति से बैठ पाऊँ। यार आई थिंक मैं अपनी फिल्म की बात करूँगा रणबंका, तो मैं देख ली, मैं कहता हूँ मैंने करी क्यों तो यार मैं और ऑनेस्टली मैं किसी की बात नहीं कर सकता, मैं फिलहाल तो अपनी ही बात कर रहा हूँ, सो आई थिंक नहीं मेरी नॉमिनेटेड है, सो मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी देखते हैं कौन कौन जीतता है, और मैं किसी और को क्यों जीतने दूँ, मैं जीत लिया मारोगे उसको क्या, धीरे बात करो। हाँ यार आई थिंक मुझे ये बड़ी घंटा बात लगी थी कि लोगों को लगता है मैं सीरियस काम कर नहीं सकता हूँ, तो वो मुझे थोड़ी घंटा बात लगती है, लोगों को लगता है मैं सिर्फ जो होस्टिंग और थोड़ा मजाक मजूक करता हूँ सिर्फ वही कर सकता हूँ, तो वो थोड़ी सी हाँ वो घंटा बात है। यार ये एक अवार्ड है जो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं रिसीव ना करूँ, एक बार मिल रहा है बस बहुत है यार। हाँ जी आप बोलें। नहीं नहीं क्रिटिसिज्म यार बिल्कुल, आई थिंक हम एक्टर्स हैं, हम अगर तालियां बटोरना जानते हैं तो हमें गालियां बटोरनी भी आनी चाहिए, आई थिंक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अगर किसी को मेरा काम पसंद आता है वो हाँ करता है अच्छी बात है, किसी को नहीं पसंद आता तो वो भी बताता है कि काम में क्या कमी थी, तो आई थिंक आई टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिवली। सबको ये लगता है कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, बट या मुझे जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है तो देन दे बिलीव इट, से निकलवा रहे हैं अच्छी बुरी होती है, और घंटे में भी कोई बुराई नहीं है इस अवार्ड में, मतलब इट्स दैट दैट आपको एक एक नया एंगल है, नई सोच है, और आप अगर अच्छाई सुनते रहेंगे और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लाइफ में आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी, सो एंड आई स्टिल वुड नॉट कंसिडर इट बैड, इट्स जस्ट अ फन पार्ट ऑफ इट। सो था तो मुझे बहुत आउट वैसे सुनने में मिलता था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत पतला और बहुत अजीब सा दिखता था, सबको लगता था यार कि इसको एक्टर किसने बना दिया, सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ गुड एक्टर ऑल्सो दैट, बट नाउ आई थिंक ऑफ लेटली काफ़ी एक दो सालों से कुछ ऐसा बुरा सुनने को मिला नहीं है, या कुछ इतना वियर्ड कमेंट या कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आई थिंक फॉर मी आई थिंक प्रेम रतन धनपायो, बिकॉज आई एम अ बिग सलमान खान फैन, एंड आई हैड लाइक वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग इट्स यू गेट अ घंटा अवार्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग No, I'm just saying that I had like very high expectations out of the film. I know आप लोग बोलेंगे कि मैं बहुत diplomatic answer दे रहा हूँ, but यार literally हर इंसान की अपनी एक journey होती है अच्छी बुरी, हर इंसान अपनी तकदीर लेकर आता है, so किसी की बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की ठीक ठीक होती है, किसी की नहीं चल पाती, so वो कहना गलत होगा यार। यार बेइज्जती की बात नहीं, इट्स जस्ट दैट आई थिंक एज आई टोल्ड यू दैट यू नो जितनी बार भी मैंने बोला घंटा अवार्ड, जितनी बार एक स्माइल आ जाती है फेस पर, सो जस्ट आई थिंक कोई भी दिल से किसी का बुरा या बोलना नहीं चाहता, इट्स जस्ट दैट इट्स जस्ट अ फन थिंग टू डू, बिकॉज अगर आज हम हमारे कॉमेडी शोज़ देखते हैं जिसमें बहुत सारे कॉमेडी शोज़ आ रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज अपनी फिल्म्स प्रमोट करने जा रहे हैं, और वहाँ पे हर तरह की मस्ती होती है, वहाँ पे अच्छी भी और बुरी भी, सो वहाँ पे वो सेलिब्रिटीज़ भी इंजॉय करते हैं और लोग भी इंजॉय करते हैं, एंड दैट इज एंगल टू जस्ट लुक एट, सो आई वुड नॉट से दैट कोई भी किस तरह से किसी की इंसल्ट करने की कोशिश करे या बुराई करने की कोशिश करे, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव वे टू मेक फन, दैट्स इट।
थैंक यू सो मच।